यस सर बताइए। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी 52,050 के आसपास, 52,058 तो यानी 52,060 के आसपास आपके लिए खरीदारी करने की राय है बैंक निफ्टी में। अगर नीचे आए दीप और 51,900 के आसपास आए तो थोड़ा और ऐड कीजिए, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस होगा 51,700 का, और ऊपर की तरफ के जो टारगेट होंगे वो 52,450 से 52,500 की रेंज के कहीं कहीं वहाँ पर जाकर बनते हुए दिखेंगे। इसके लिए आप अपनी पोजीशन को ट्रेल करते चले स्टॉप लॉस के साथ में, और आप आराम से इसको होल्ड करिए। जहाँ पे भी पहुँच जाए इसका 100 पॉइंट नीचे का या 75 पॉइंट का, आप सूटेबल स्टॉप लॉस अपना ट्रेल, क्योंकि ऊपर कोई डेटा 52,500 के पहले कोई रुकावट के डेटा है नहीं, तो मैदान खुला हुआ है, मैदान खुला हुआ है तो ऊपर का टारगेट देना मुश्किल। तो 52,500 के आसपास का बनेगा, मैं प्रॉफिट बुकिंग आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ 52,500 के आसपास, और या फिर आप अपना प्रोटेक्ट करते चलिए। तो जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है 52,060 के आसपास का वहाँ से, और अगर थोड़ा नीचे आ जाए गलती से 51,900 के आसपास तो ऐड करके आप वहाँ पर कर सकते हैं। 51,700 का आपका स्टॉप लॉस होगा, ऊपर के टारगेट 52,450 52,500 के। एक अच्छा ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में आता दिख रहा है, और ये बैंक निफ्टी पिछली बार भी आपको याद होगा, इफ़ यू फॉरगॉट लेट मी रिमाइंड यू, जी बैंक निफ्टी ने ही निफ्टी का हाई बनाया। यस, इस बार फिर बैंक निफ्टी ही निफ्टी का हाई बनाएगा। बैंक निफ्टी खींच कर ऊपर जाएगा, निफ्टी को लेकर जाएगा। चलो आओ तुम भी जरा 23,700 की तरफ बढ़ो, ये होने की तैयारी, यही होने की तैयारी। तो अभी अभी जय ने दिया था ना, तो लास्ट जय ने दिया था, बिल्कुल 52,000 का। आपका जो 52,000 का कॉल ऑप्शन है जरा उस पर अपडेट भी दें, आई एम श्योर थोड़े उसमें अच्छे मूव आए होंगे। बिल्कुल अनिल जी, 286 पर हमने दिया था अनिल जी, एंड 356.57 हो गया अनिल जी, तो वहां पे लगभग 70 पॉइंट का हमें एक मूव देखने मिला है। और अनिल जी और भी देखने मिलेगा, आपका भी अनिल जी रिकमेंडेशन इस पर आई है, और मेरा भी यही व्यू है, 52,400-500 तक तो कोई मेजर हर्डल है नहीं, और पूरे फॉर्म में है बैंक निफ्टी, तो इट्स अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड यहाँ पे। आई मीन अगर हम रिस्क रिवॉर्ड देखें अनिल जी, तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी में लॉन्ग साइड का ही बनता है, बिकॉज ये एक ही मेजर हर्डल था जो लास्ट एक्सपायरी में 52,000 के आसपास पहुंचा बैंक निफ्टी, वहां से पूरा हफ्ता कंसोलिडेट किया, और कल कंसोलिडेशन में जो लोअर एंड से घुमा है यानी जी फुल मोमेंटम में आ चुका है ये इंडेक्स। सो आई होप दैट यू नो 52,500 यहाँ पे आते हुए देखने मिलेंगे। नो कॉल ऑप्शन में तो नहीं जी 70 रुपए ऑलरेडी इन द मनी हो चुका है, सो फर्दर और टारगेट अचीव हो जाएंगे ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये है आपके लिए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर अच्छा एक्शन, स्पेशली बैंक निफ्टी 52,100 के ऊपर भी आपको पहली बार जाते हुए दिख रहा है। अब 450 और 500 के टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं आप।